हाय दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मृणाल दत्त एंड वेलकम येट अगेन टू अनदर रोमांटिक एपिसोड ऑफ ये है आशिकी बागी स्पेशल। हमारी आज की कहानी दो नेबर्स के बारे में, जोजी और रिद्धि। अब जोजी एक लिबरल थॉट रखने वाला नॉन वेजिटेरियन क्रिश्चियन फैमिली का लड़का, वेयरएज रिद्धि एक टिपिकल वेजिटेरियन मारवाड़ी फैमिली की लड़की थी। अब इन दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत अलग कल्चर्स में हुई, बट लव फाउंड द वे टू देयर हार्ट। लेकिन उसी प्यार को इनके घर वालों ने यू टर्न लिया। इनके घर वाले अक्सर आपस में लड़ते, लेकिन बीच में पिस्ता कौन? हमारे ये बेचारे लवबर्ड्स। अब देखना ये है कि क्या ये अपने पेरेंट्स को मना पाते हैं, या इनके प्यार का भी होता है ट्रैजिक दी एंड। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। दादाजी, गुड आफ्टरनून। अरे ओ माय गॉड, क्या बैरी बैग है आपका? प्लीज मुरली दीजिए ना दादाजी, प्लीज दादाजी प्लीज। अगर इस उम्र में इतना वजन उठाएंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ना। प्लीज गिव प्लीज दादू। नहीं दादू, प्लीज लीव इट। उफ, कितना हैवी है। दादाजी, ये आर्थराइटिस प्रिवेंशन की किताब मैं बस पढ़ी है, मैं भेज दूंगा, ठीक है? इतना सामान मत उठाइए प्लीज। अरे आप कब आए? बड़ी बड़ी। ओके दादाजी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते बड़ी जी, ये लीजिए हवन की बाकी सामग्री। ये बेटा, सब ठीक तो है? गोयल साहब, ये क्या लेकर चले आए? जॉर्जी, ये सब क्या है? क्या हुआ दादू? क्या हुआ दादू, बड़े भोले बनते हो, जैसे तुमको तो पता ही नहीं कि क्या हुआ। अरे मांस मच्छी मेरे घर में, ये सब तुमने जानबूझ कर किया। सॉरी दादू, मुझे पता नहीं था कौन सा बैग कौन से हाथ में था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम खटिया बने में इतने नीचे उतर जाओगे। अरे कर दिया ना मेरा हवन भंग, कर दिया ना मेरे घर को अपवित्र। नहीं दादू, अशुद्ध। देखो प्लीज प्लीज, आई स्वेयर दादू, मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज बिलीव मी। मेरी सब समझ में आ गया, जरूर इसकी मां ने सिखाकर भेजा होगा। बाप है नहीं और मां से परवरिश हो नहीं पा रही। बस चुप हो जाइए, बोलने से पहले सोच तो लिया कीजिए। अरे तेरी परवरिश है ना, इसीलिए ये हाल है। बाप के साथ रहता तो कुछ बन जाता था। बस बस, आप बुजुर्ग हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं हम इस बात का फायदा उठाएंगे। उंगली नीचे जोशी, मैं भी अपने दादा और दादी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। बड़े आए थे मदद करने वाले, हो गई तुम्हारी मदद। और प्लीज अगली बार हमारी कोई भी मदद करने की कोशिश मत करना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा तुमने बता दिया, शायद मुझसे एक नहीं दो गलतियां हुई है। आई एम श्योर। तो जाओ जाओ यहां से। और प्लीज अपनी गलती जरूर सुधारें। ठीक है, चला जाऊंगा। हो गई तुम्हारी मदद। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो जाओ जाओ यहां से और प्लीज अपनी गलती जरूर सुधारो। शायद मुझसे एक नहीं दो गलतियां हुई है। Thank you.
नहीं मालूम था मुझे हाँ? इतनी दूर तक साथ चलने के बाद मुड़ के वापस आना कितना आसान है तेरे लिए। मुड़ के वापस आना बहुत ही मुश्किल है। Let me go. क्या गलत, ये फैसला तू अकेले नहीं ले सकती, समझी ना? You can't decide for everyone out here. Let me go. Let you go. What do you mean let you go? हाँ? कल ब्रेकअप, आज शादी, परसों डिवोर्स। तेरे मजाक की तू समझती क्या है? What do you think? मजाक तेरे लिए। तेरे लिए मजाक है। नहीं यार, stop, stop, stop. गोयल पानी ले लीजिए। हमारे घर तक आ गया, ये क्या कम है? मुझे इस घर में सांस लेने में भी घिन आती है। जोशी, where were you, जोशी? मैं तुम्हें कितना फोन कर रही थी, कहाँ थे तुम? हम ये लोग यहाँ पे क्यों आए? इतनी रात को क्या काम था इन्हें? कुछ हुआ है बेटा? हाँ, तुम जॉर्जी के घर पर आ जाओ। रिद्धि को यहाँ पे क्यों बुलाया? ओम आस, प्लीज। दादाजी, जोशी कम यहाँ। जोशी, दादाजी कौन रिद्धि हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? टेल मी जोशी। नो नो मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट दादाजी मेरे विश्वास को तोड़ा है। क्या हुआ दादाजी? ये मिला है तुम्हारी बैग से। दादाजी वो ना मैं आपको बता नहीं वाली। अच्छा किया जो तुमने नहीं बताया। इस कागज के टुकड़े को अपने पास रखे, तुम लोग समझते हो कि तुम लोग रिश्ते में जुड़ गए हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर हुई है तो ये लो। शादी हो चुकी है दादू। अब अगर एक शब्द और भी बोला ना तो यही गाड़ दूंगा। और तू आज के बाद जब तक राधिका की शादी नहीं हो जाती तो कमरे में बंद रहेगी। जोशी, जोशी वैसे भी इस शादी को कोई नहीं मानता। तुमने मंदिर में जाकर शादी कर तो ली, but what's the point? Come on, sign the annulment papers, please. सुमित्रा, रिद्धि को बुला कर लाओ। जी। रिद्धि, रिद्धि बेटा दरवाजा खोलो बेटा, सो गई हो क्या? क्या हुआ? अरे ये दरवाजा नहीं खोल रही। कैसे नहीं खोल रही? रिद्धि दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। रिद्धि
रद्दी, रद्दी ओपन द डोर। एमरजेंसी में 20 मिनट तो कोई नहीं जा सकता। आप होश में तो है? आपको दिखाने दे रहा प्लीज, उसकी हालत देख के शी इज डाइंग, वांट टू अंडरस्टैंड प्लीज। आई अंडरस्टैंड बट आप समझिए, आप बैठिए वहां पे। इसके पास तो वक्त ही नहीं है 20 मिनट का। आप इंतजार कीजिए। क्या इंतजार कीजिए, आपको समझ में नहीं आता क्या? हां शी इज डाइंग आउट हियर। टू हेल विद यू एंटी। अरे रुको, रुकिए, वापस, अरे वापस आइए। साहब अंदर बैठे हैं, उनके परमिशन के बगैर कोई भी अंदर नहीं जाएगा। देखिए ना, हमारी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। मत समझा यार। क्या करे आप लोग, हॉस्पिटल को तो फिश मार्केट बना दिया आप लोगों ने। आपको बता दिया आप लोग कहाँ खड़े हो? मैं चाहता हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ। डॉक्टर साहब, ये जगह एक ऑफिस की तरह होगी, लेकिन इस वक्त ये जगह मेरा चर्च है। अगर आपकी और आपके हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से मेरी दीदी को कुछ हो गया तो क्या फर्क रह जाएगा डॉक्टर साहब, फिश मार्केट में और आपके हॉस्पिटल में? फिश तो समझे। नर्स, नर्स, मिस्टर नायर को कैबिन में शिफ्ट करो और पेशेंट को अंदर ले आओ। कैसी है रिधि अब? She is not stable. आप लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं माफ कर देना, आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज अगर आपका बेटा नहीं होता तो हम रिधि को खो चुके होते। इतना बुरा भला कहा हमने आपको, फिर भी आपने सब कुछ भुला दिया। वाकई आपके संस्कार और आपकी परवरिश बहुत अच्छी है। उसे माफ कर देना कट। तो प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। शायद रिद्धि की इस हालत के जिम्मेदार मेरा और उसका पागलपन ही था। नहीं, इसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, ना ही रिद्धि। इस हालत का कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ मैं। रद्दी, बचपन में तेरी सारी गलतियां मैं तेरी नादानी समझ के माफ कर देता था। क्या आज मेरी इस नादानी को
बुढ़ापे की नादानी समझ के माफ नहीं करती। माफ कर दे बेटा। शट अप। हेमंत सूट की तो हॉस्पिटल की फैमिलिटी, तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। तू मुझे मुझे अपनी फैमिली को छोड़ के जाने वाली थी। हू डेयर यू रिद्धि, अपनी जान लेना वीकनेस का साइन है, और हमारा प्यार ना कभी वीक था ना कभी होगा। और तू भूल गई कि मैं कितना बड़ा ढीठ हूं। तुझे स्टॉक करते हुए मैं दूसरी दुनिया तक भी चला था। सॉरी जोसी। आप लोग भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। I'm really sorry. अरे भाई बहुत हो गई माफी तलब, अब तो मिठाइयां बांटने का वक्त आ गया है। क्यों जी? जिस मंडप में अपनी राधिका की शादी हो रही है उसी मंडप में इस रिद्धि की और जॉर्जी की। जॉर्जी? हाँ, आपका बेटा। हो, जोसी। हाँ वही, जो भी है उसकी दोबारा से शादी हो। हाँ, हाँ। कहा था ना मैंने, मनी मैनेजमेंट। कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो तो चाहे जितनी भी कोशिश कर लो उसे परवान तो चढ़ना है। अब जूजी और रिद्धि ने ना सिर्फ अपना प्यार निभाया, उन्होंने अपनी फैमिलीज के बीच की नफरत भी खत्म की। नाउ इमेजिन अगर दुनिया का हर प्यार करने वाला कपल ऐसा ही हो तो वर्ल्ड पीस तो ऐसे ही हासिल हो जाएगा। ऑन दिस ब्राइट नोट मैं आपका होस्ट मृणाल दत्त आपसे इजाजत देना चाहूंगा, और कल एक और रोमांटिक कहानी लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। टिल देन स्टे इन लव।